मैं गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं अगर हमारा सरकार बना तो हम जिसकी जितने, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करा दीजिए महोदय। महोदय महोदय हम कहते हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का ही तैसी हैं, हम पिछड़ों का ही तैसी हैं, हम दलितों का ही तैसी हैं, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करा दीजिए महोदय। जो आप फ्री में राशन देने का बात कर रहे हैं, बंद कर दीजिए राशन का। और जो पिछड़े दलित लोग हैं, अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य आपने मुफ्त कर दिया तो हम अपने रोजी रोटी राशन का व्यवस्था खुद कर लेंगे महोदय। हमें कटोरा लेकर के आपके सामने हाथ फैलाने का जरूरत मतलब कि हमें नहीं पड़ेगा महोदय। और महोदय जो हमारी हिस्सेदारी है, जो नहीं, जो मेरी हिस्सेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जातीय जनगणना करा दिया है तो जातीय जनगणना के अनुसार अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है महोदय। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी दलितों की अगर जनगणना में संख्या हिस्से भागीदारी 20% है तो उस मंत्रालय में भी दलितों का हिस्सेदारी 20% होना चाहिए महोदय। और अगर अति पिछड़ा 36% है तो अति पिछड़ा को 36% का मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए महोदय। अगर पिछड़ा 27% है महोदय, अगर पिछड़ा 27% है महोदय, तो मंत्रिमंडल में भी पिछड़ों को 27% का हिस्सेदारी मिलना चाहिए महोदय। जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, बैठे हुए हैं, अगर उनके हाथ में जब तक दलितों को मजबूत करने का उनको पावर नहीं मिलेगा वो कैसे मजबूत करेंगे। इसके अलावा अगर अति पिछड़ा का मंत्रालय है तो वहां मुख्य सचिव भी, वहां प्रधान सचिव भी अति पिछड़ा का ही होना चाहिए महोदय। अगर मंत्रालय दलित के पास है तो उसका प्रधान सचिव भी दलित का होना चाहिए महोदय। तब जो है दलित के पास उस मंत्रालय का पूरा लाभ पहुंचेगा महोदय। आप दलित मंत्री बनाते हैं लेकिन ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं कि ये दलितों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सके महोदय। महोदय और मैं चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना में जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के अनुसार जिला में, उस आंकड़े के अनुसार जिला में, प्रखंड में, अनुमंडल में, उस जातीय जनगणना के आंकड़ा के अनुसार सभी प्रशासन को बहाल करें। जब तक जातीय जनगणना के आंकड़े के अनुसार, जब तक शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हमारे लोगों तक सही रूप से उनका जो है अनुदान या कुछ भी है वो नहीं पहुंच पाएगा। मैं गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं, मैं गारंटी देता हूं अगर हमारा सरकार बना तो हम जिसकी जितने भागीदारी है उसका उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे महोदय। उतना हिस्सेदारी देने का काम करेंगे महोदय। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।